कुछ आपका एक यूनिकनेस होना चाहिए। हाँ। आप उस चीज से ना जाने जाओ, वो चीज आपसे जाने। प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। भुवन बाम। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द वेरी फनी बीबी की वाइन। लोग बीबी की वाइंस बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता हूं। अमानी को देख के बोला अरे रिलैक्स। आई थिंक भुवन इज वेरी स्मार्ट। भुवन आप राइटर हैं, कॉमेडियन, एक्टर, यू आर द को प्रोड्यूसर, सिंगर हैं। यू सेड कि मैं एडिटिंग रूम में भी था, गाने भी लिख दिए, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यू नो हाउ डू यू डू इट? बैटमैन हूं। हां मैं बैटमैन। सो भुवन योर YouTube चैनल बीबी की वाइंस। बीबी की वाइंस के वीडियो देखे यार, थोड़े फनी होते हैं यार। सर हमारा मैं करना एक्टर, एक्टर बनना है। हाँ एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जिसने अभी अभी गिटार बजाना सीखा और जैसे तैसे उन्होंने 2012 में 12th पास आउट किया। फिर उन्होंने वही किया जो हर एक मिडिल क्लास का बच्चा करता है, एक पार्ट टाइम जॉब। फिर 2013 में भुवन बाम को 15 अगस्त में एक सॉन्ग परफॉर्म करने का चांस मिला और उन्होंने उस गाने से सबका दिल जीत लिया। फिर इसके बाद बीबी को एक और चांस मिला एक स्प्रेड एड में परफॉर्म करने का। Right, took away our instruments. So here's what we did. Check out our sprite quotient. इस एड को करने के बाद भुवन बाम को बहुत से लोग जानने लगे थे। फिर भुवन बाम ने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया द नेम ऑफ बीबी के वाइन। एंड 2015 बीबी ने नॉर्मल दिनों की तरह यूट्यूब पर अपना एक वीडियो अपलोड किया एंड स्टार्टिंग में उनके व्यूज बहुत कम आते थे एंड इनकी ये वीडियो वायरल हो जाती है। इस वीडियो पर 50,000 व्यूज आते हैं और ये वीडियो पाकिस्तान में वायरल होती है। फिर इनकी वीडियो इंडिया में भी रैंक होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद भुवन बाम को पता चल चुका था कि ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। फिर इसके बाद बीबी ने बहुत से न्यू कैरेक्टर लॉन्च किए, इसके वजह से उनकी वीडियो डे बाय डे इंटरेस्टिंग होती चली गई। और इसके बाद भुवन बाम ने अपना एक सॉन्ग अपलोड किया द नेम ऑफ तेरी मेरी कहानी। पर्सनली ये सॉन्ग मुझको बहुत ज्यादा पसंद आया था, एक बार आप सुन के देखना। उस टाइम पे ये सॉन्ग वायरल हो गया था और इस सॉन्ग करीब 20 मिलियन व्यूज आ गए थे। इसके बाद लोगों के दिलों में बीबी की रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग समझ चुके थे कि बीबी बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है। यूजुअली पेरेंट्स बर्थ देते हैं चाइल्ड को, यहाँ अलग है। आपने अपने पेरेंट्स को जन्म दिया है, मामा को, अपने दो दोस्त, रियल लाइफ इंस्पिरेशन है ये, कहाँ से आपने कैरेक्टर्स डिजाइन? यहीं से भुवन बाम एक ब्रांड बन चुके थे और लोग उनकी पुरानी वीडियो भी देखने लगे थे। इसके बाद भुवन बाम ने बहुत से न्यू एपिसोड्स किए और देखते ही देखते इंडिया के मोस्ट फेमस यूट्यूबर बन गए और इनकी वीडियो लाखों लोग देखने लगे थे, इनमें से एक मैं भी था। भुवन बाम बस एक यूट्यूबर बन के नहीं रहना चाहते थे, उनका सपना तो कुछ और ही था। ये भी अपने आप को होर्डिंग्स में देखना था, पोस्टर्स में देखना था, लेकिन पोस्टर से पहले आता है टैलेंट। इसके बाद भुवन बाम ने एक शॉर्ट फिल्म भी की थी जिसके वजह से इनको फिल्म फेयर अवार्ड तक मिल गया। कोई ड्रीम छोटा नहीं है, मैंने ड्रीम किया था आज मैं आऊं शाहरुख सर के साथ। यो! इसके बाद ये सोशल मीडिया के स्टार बन गए थे। यूट्यूब से लेकर बॉलीवुड तक बीबी को एक नई पहचान मिल गई थी। भुवन बाम ने इसके बाद प्लान की एक यूट्यूब सीरीज जिसका नाम था ढिंडोरा। ये प्रोजेक्ट बीबी के लिए छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था क्योंकि भुवन बाम ने ढिंडोरा की हाइप के लिए सभी यूट्यूबर्स के साथ मिलकर एक कोलैब सॉन्ग भी निकाला था और ढिंडोरा की हाइप इतनी बनी कि ढिंडोरा ने 500,000 व्यूज ले लिए थे। ढिंडोरा के बाद भुवन बाम ने एक और सीरीज की जिसका नाम था ताजा खबर, लेकिन बीबी की सोच इस सीरीज को लेकर कुछ और ही थी क्योंकि ये सीरीज ढिंडोरा से अलग होने वाली थी। इसलिए वो सोच रहे थे कि कॉमेडी कर रहा हूँ पिछले 7 साल से और मैं अचानक ड्रामा करूंगा तो क्या कैसे होगा ये? कह रहे भाई आपने अभी तक कितने कैरेक्टर्स किए? मैंने कहा 21। ये वस्या 22वां कैरेक्टर नहीं हो सकता। एंड दैट थिंग स्टेड विद मी। आई वाज लाइक अच्छा, आई नेवर लुक्ड इट फ्रॉम दैट व्यू। इसके बाद ताजा खबर रिलीज हो गई। मैं वसंत गावड़े, मुंबई का किंग, वडाला का वुल्फ, थाने का टाइगर। ताजा खबर ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और अब तो ताजा खबर सीजन 2 भी आ चुकी है। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताना कि वो आपको कैसी लगी। मुझे तो यार बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो बताना कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जब तक के लिए बाय।